सोनाका व्यूवर्स, इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आपको बताया था दौलतमंद बनने के लिए जो सीक्रेट पूरी दुनिया में यूज़ हो रहा है और उसको मैंने 1-2-3 का नाम दिया था। तो उसमें जो दूसरा पॉइंट हमारा था वो था सही सिस्टम का चुनाव। तो उसी हवाले से आज हम बात करेंगे पैसे कमाने के चार सिस्टम। पैसे कमाने के चार सिस्टम जो पूरी दुनिया में यूज़ हो रहे हैं, पाकिस्तान में भी वही हैं, इंडिया में भी, किसी भी कंट्री के, किसी भी टॉपिक के जो लोग हैं पूरी दुनिया में, तकरीबन पैसे कमाने के लिए ये चार सिस्टम ही इस्तेमाल हो रहे हैं। ये रॉबर्ट कियोसाकी, अमेरिकन एंटरप्रेन्योर, ऑथर, बिजनेस ओनर, ट्रेनर, ये उसने अपनी बुक रिच डैड पुअर डैड, इस तरह की बहुत सारी जो किताबें लिखी हैं उसमें ये कैश फ्लो क्वाड्रेंट, इसको इंग्लिश में कहा जाता है, तो इस पर बहुत जोर दिया है कि लोग कैश फ्लो क्वाड्रेंट या पैसे कमाने के वो चार सिस्टम उनके बारे में जान लें, सोच लें, समझ लें, ताकि आगे लाइफ में जब वो कैरियर स्टार्ट करें तो उनको पता हो कि हम क्या करने जा रहे हैं और क्यों करने जा रहे हैं। तो ये कैश फ्लो क्वाड्रेंट या पैसे कमाने के चार तरीके हैं, इसको ESBI यानी कि ये रेड मार्कर से मैं इसको हाईलाइट भी कर दिया कि ESBI। तो आइए समझते हैं कि ई क्या चीज़ है। ई फॉर एम्प्लॉय, ठीक हो गया। दुनिया में 80% लोग एम्प्लॉय वाले खाने में आते हैं, क्वाड्रेंट में आते हैं या इस सिस्टम के थ्रू पैसा कमाते हैं। इसकी बहुत सारी खसूसियात हैं लेकिन हम शॉर्टली इसको डिस्कशन करेंगे। एम्प्लॉय पूरी दुनिया में 80% हैं जो दूसरों के लिए काम करते हैं। एम्प्लॉय अपने ऑनर के लिए काम करता है, ठीक है, चाहे वो गवर्नमेंट का हो चाहे वो प्राइवेट हो। तो इनको क्या प्रॉब्लम्स आते हैं, इनको ये प्रॉब्लम रहते हैं, पहले सबसे पहला जो प्रॉब्लम इनको रहता है वो होता है कि ये किसी के लिए काम कर रहे होते हैं और इनके पास टाइम की बहुत किल्लत रहती है। 9-to-5 जॉब वाले इस कैटेगरी में लोग आते हैं और चाहे वो 20 साल काम करते रहें चाहे 50 साल काम करते रहें, जो ही उनका काम बंद होगा, उसकी जॉब जाएगी, उसकी जो अर्निंग है वो ज़ीरो पे आ जाएगी। तो लिहाजा ये जहाँ से शुरू करते हैं वहीं पे आके उसी मुकाम पे आके ख़त्म हो जाता है। तो ये इसकी और भी बहुत सारी खसूसियात होती हैं या उसकी वजूहत होती हैं जो कि टाइम शॉर्ट होने की वजह से हम यहाँ पे डिस्कशन नहीं करेंगे। इसको बस इतना आप समझ लेना और जो एम्प्लॉय लोग हैं उनको पता है कि हमारे साथ क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं। तो आते हैं दूसरे की तरफ, ये है S फॉर सेल्फ एम्प्लॉयड। सेल्फ एम्प्लॉयड यानी कि खुद रोज़गार भी होता है, जो अपने लिए काम करते हैं, ये किसी के मुलाजम नहीं होते, किसी के अंडर नहीं होते, इनका कोई बॉस नहीं होता, ये खुद ही अपने ही बॉस होते हैं। तो ये दुनिया में 15% है, 15% ये अपने लिए काम करते हैं। ये है कि इनका कोई बॉस नहीं होता और इसको कोई रोक टोक नहीं होती, लेकिन एक तरीका से देखा जाए तो ये अपने ही पेशे का गुलाम होता है, जिसको हम कहते हैं। इसमें डॉक्टर आ जाता है, इंजीनियर आ जाता है, ठीक है, जो और दुकानदार भी इसमें आ जाते हैं जो तकरीबन करोड़ों की इन्वेस्टमेंट करके बैठा होता है, लेकिन ये खुद अपने सिस्टम पे बैठा रहेगा तो इनकम आएगी, अगर सिस्टम से हटेगा तो इनकम इसकी रुक जाएगी। इनको भी टाइम और वेल्थ का प्रॉब्लम रहता है। तो ये दो ये जो कैटेगरी मैंने आपको बताई हैं, ये टोटल अगर मिलाया जाए 80% 80% और 15% तो लोग बनते हैं 95%, और इनके पास दौलत है दुनिया की 5%, यानी कि लोग 95% 95% है और दौलत इनके पास है 5%। तो इससे जाहिर ये होता है कि ये जो क्वाड्रेंट है या ये जो खाने हैं दो वाले, एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉय वाले, इस सिस्टम में लोग ज़्यादा हैं और दौलत कम है। तो आइए जाते हैं दूसरी तरफ कि वो कौन सा सिस्टम है जिसमें लोग कम है और दौलत ज़्यादा है। तो ये है बी, इसको बोलते हैं बिजनेस ओनर।
एक्चुअल में बिजनेस ओनर ये होता है, ये बिजनेस ओनर नहीं होता, ये सेल्फ एम्प्लॉयड होता है। तो ये आपको फर्क इसका होना चाहिए। ये छोटे छोटे हम काम कर लेते हैं, छोटा सा कारोबार कर लेते हैं, वो छोटे कारोबारी लोग होते हैं, वो समझते हैं कि हम भी कारोबार है, हमारा भी बिजनेस है, बिजनेस ओनर है। तो बिजनेस ओनर वो जरा नहीं होता, वो सेल्फ एम्प्लॉयड ही होता है। तो ये है बिजनेस ओनर, दुनिया में 4% है ये जिनके लिए लोग काम करते हैं। तो एक्चुअली इनके पास लोग काम कर रहे थे, ये खुद काम नहीं करते। तो मैं बोलता हूँ इसके पास फाइनेंशियल फ्रीडम होता है, फाइनेंशियल फ्रीडम, यानी कि ये खुद काम नहीं करते, ये आज़ाद होते हैं टाइम के लिहाज से भी और पैसे के लिहाज से। ये अपने बिजनेस को पीछे बैठे लुक आफ्टर कर रहे होते हैं, इसने अपना बिजनेस सिस्टम एक डिज़ाइन कर दिया होता है, लोग उस पर काम करते हैं, लोग इसको पैसा कमा के देते हैं, ये खुद काम नहीं करता। ये चाहे एक माह, दो माह, तीन माह अपने सिस्टम पे ना जाए, ये मर भी जाए तो इसका बिजनेस चलता रहता है, इसका सिस्टम चलता रहता है। तो इस कैटेगरी को आपने समझना, ये है बिजनेस ओनर। और ये बिजनेस ओनर सिस्टम जो है, इसमें दुनिया में 4% लोग हैं। तो इसको जो खसूसियात या इसको जो बेनिफिट मिलते हैं वो आप जानते हैं। इसमें बिल गेट्स इस कैटेगरी में आ जाता है, और वार्ड प्रॉफिट इसमें आ जाता है, एलोन मस्क इसमें आ जाता है। अगर पाकिस्तान की बात करें तो मलिक रियाज इसमें आ जाता है, मियां मंशा, इस तरह की बहुत सारी और भी कह लें कि हस्तियां हैं जो इस क्वाड्रेंट में आकर अपनी लाइफ को बदलते हैं। चौथे पे आते हैं, चौथा है आई फॉर इन्वेस्टर। इन्वेस्टर जैसा कि नाम से जा रहा है, जिनके लिए पैसा काम करता है। ये कहता है भाई मैं क्यों काम करूं, मेरा पैसा मेरे लिए काम कर रहा है। तो ये खुद काम नहीं करता, पैसा इसको पैसा कमा कर देता है, यानी कि पैसा इसके लिए काम कर रहा होता है। तो ये दुनिया में 1% है। इसके पास भी फाइनेंशियल फ्रीडम होता है, ठीक है, क्योंकि इसका पैसा कमा के दे रहा है, तो लिहाजा इसके पास बहुत ज़्यादा टाइम और बहुत ज़्यादा पैसा भी होता है। यहाँ पर एक चीज़ मैं क्लियर कर दूँ, वो ये होती है टाइम। टाइम बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। हमें अपनी ज़िंदगी में जब कोई सिस्टम के चुनाव का मौका मिले, तो हमें देखना है कि जिस सिस्टम में पैसा भी ज़्यादा हो और उसमें हम फ्रीडम भी मिले, हमें टाइम फ्रीडम भी मिले, ठीक है। तो टाइम फ्रीडम इन दो सिस्टम में ही मिलता है। तो ये 4% और ये 1% टोटल हो गए 5%। तो इस दोनों जो क्वाड्रेंट हैं, इनमें लोग होते हैं 5% और दौलत है 95%। तो उसका मतलब ये निकला कि इधर लोग कम हैं, दौलत ज़्यादा है, तो लिहाजा ये अमीर तरीन सिस्टम इनको हम कह सकते हैं, क्योंकि इनमें लोग ज़्यादा थे और दौलत कम थी। अगर 95 लोग हैं तो $5 या 5 रुपए हम इन पर तकसीम करेंगे, तो आपको पता है कि $1 भी पूरा नहीं आएगा। तो अगर इधर लोग 5 हैं और दौलत या डॉलर $95 है, तो इनको ज़्यादा डॉलर या ज़्यादा रुपए या ज़्यादा दौलत इनको डिस्ट्रीब्यूट होगी, तकसीम होगी। तो ये छोटी सी वीडियो आपके लिए बनाई है, लेकिन इसके पीछे बहुत लंबी रिसर्च रॉबर्ट टीकू साहब ने लगाई थी, ठीक है, आज हमारे ये काम आ रही है। अगर हम इस कैश क्वाड्रेंट को समझ लें, पैसे कमाने के 4 सिस्टम को समझ लें, तो ये आगे हमारी लाइफ में एक अच्छा किरदार अदा करेगी। इसको अगर मज़ीद आपको समझ नहीं आ रही, कुछ चीज़ें हैं ये काफ़ी डिफ़िकल्ट है, इतना आसान नहीं है, मुझे समझने में टाइम लगा था, तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो इसको आपने कह लें कि 2 बार 3 बार 4 बार वीडियो को देखें, अगर फिर भी समझ नहीं आ रही मुझसे पूछें। लेकिन एक चीज़ मैं यहाँ पर वाजे कर दूँ, इम्प्लॉय ही एक्चुअली इधर जा सकते हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड भी इधर जा सकता है, ठीक है, इम्प्लॉय इधर भी आ सकता है, बिजनेस ओनर इधर भी आ सकता है, ये सेल्फ एम्प्लॉय इधर आ सकता है। ये कोई अलग रॉकेट साइंस नहीं है, या जो कुछ स्पेशल लोग नहीं होते कि जो इसमें, यानी कि उनका जन्म ही इस कार्ड में हो, नहीं, ऐसा नहीं होता। लोग यहाँ से निकलते हैं, इस कारण में चले जाते हैं, जस्ट ये आपकी डिज़ायर है, ये आपकी सोच है। अगर आप सोच लें, डिज़ायर कर लें कि मैंने अपनी लाइफ बदलनी है, मैंने लाइफ चेंज करनी है, तो इसके लिए आप कोशिश करें
इस सिस्टम से इस सिस्टम को मूव करने की जब आप डिजायर करेंगे तो फिर ये मुमकिन हो सकेगा। अगर आप डिजायर ही नहीं करेंगे, साफ जा रहा है ना, एक बंदा है उसको डिजायर ही नहीं है खाना खाने की, ठीक है ना। जैसे एक छोटा सा कोट है, मैंने पढ़ा था एक दिन, कह रहा था कि आप घोड़े को पानी तक ले जाने पर मजबूर कर सकते हैं, यानी कि जहाँ पे पानी का तालाब है, लेकिन पानी पीने पे मजबूर नहीं कर सकते, ठीक है ना। लिहाजा मैं आपको ये गाइडलाइन दे सकता हूँ कि आपने इस सिस्टम से, इस क्वाड्रेंट से निकल कर इस सिस्टम में कैसे जाना है, ये गाइडलाइन मैं आपको दे सकता हूँ। लेकिन अगर आप कहें कि मैं आपको इस सिस्टम में खींच कर लेके जाऊँ, तो ये मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। तो लिहाजा डिज़ायर आप करें, गाइडलाइन इंशाल्लाह मेरी होगी, ठीक है, एजुकेशन मैं दूंगा आपको, तो ये पॉसिबल है, इतना मुश्किल नहीं है। आप इसमें सोचें, इसको अभी छोड़ दें, क्योंकि ये इन्वेस्टर है, इसके लिए ज़्यादा एजुकेशन की ज़रूरत होती है। तो सबसे पहले इसके बारे में जब आप डिज़ायर करेंगे, मैंने भी इसकी डिज़ायर की थी आज से काफ़ी साल पहले, तो मैंने इस सिस्टम को टच कर लिया। तो ये कह लें कि आज पैसे कमाने के चार तरीकों पे हमने बात की है। नेक्स्ट वीडियोस में इंशाल्लाह मज़ीद जो है पैसे कमाने के लिए जो सी चीज़ें आपको चाहिए, जो सी ट्रेनिंग चाहिए, उस पर वीडियोस मैं स्टेप बाई स्टेप बनाता रहूँगा। इसको आप समझें, ठीक है, दोस्तों में शेयर करें, और मेरे चैनल एशमान टीवी को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन भी दबा लें, ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक बार बार पहुँचती रहे। मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।